मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। प्रदेश में कोरोना के 125 नए मरीज, कुल संख्या 486, लखनऊ में सक्रिय केसों की संख्या 49। प्रदेश में कोविड के 125 नए मरीज मिले हैं, अब कुल मरीजों की संख्या 486 हो गई है। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को गाजियाबाद में 9, गौतम बुद्ध नगर में 44, लखनऊ में 14 और ललितपुर में 6 नए मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में कहीं एक तो कहीं दो मरीज मिले हैं। सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जांच का दायरा बढ़ाकर 50,000 से अधिक करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में रविवार को 5,983 मरीजों को कोविड जांच की गई, लेकिन किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। लखनऊ में रविवार को कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं, इनमें 6 महिलाएं थी। सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। 6 मरीजों ने वायरस को मात दी है, इससे जिले में सक्रिय केसों की संख्या 49 हो गई है। सीएमओ मनोज अग्रवाल ने बताया कि सबसे अधिक मरीज एनकी रोड सीएचसी में सामने आए, इसमें 3 महिलाएं व 1 पुरुष था। आलमबाग में 1 पुरुष, अलीगंज में 1 पुरुष, चिनहट में 1 पुरुष व 2 महिलाएं, इंदिरा नगर में 1 महिला व 1 पुरुष, सिल्वर जुबली अस्पताल में 2 महिलाएं पॉजिटिव निकली। सीएमओ प्रवक्ता ने बताया कि मरीजों का नमूना जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया है। प्रदेश में रविवार को विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 3,188 मरीजों की जांच की गई, जिसमें 40 में मलेरिया की पुष्टि हुई है। मेले में कुल 1,47,775 मरीजों का उपचार किया गया, इसमें गंभीर मिले 916 मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया गया है। मेले में 7,388 लोगों को गोल्डन कार्ड दिया गया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का 1 मरीज मिला है, अब स्वाइन फ्लू मरीजों की संख्या 5 हो गई है। निदेशक डॉक्टर ए के सिंह ने बताया कि अलीगढ़ निवासी मरीज दिल्ली से लौटा था, उसके लक्षण मिलने पर जांच कराई गई, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज के संपर्क में आए लोगों की भी जांच कराई गई है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।